अब हमने जो थोड़ा सा रह गया था उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ये आपको 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में या नीट में इम्पॉर्टेंट होता है, इस साल भी क्वेश्चन आया था। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या कौन होते हैं आपके सामने लिखा है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल, दे आर द पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। पहला हम पढ़ेंगे ईआर। ईआर जो होता है वो कुछ इस तरह से अपीयर होता है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर एनवेल्प है वो ही एक्सटेंड होकर इस तरह से क्रिस्टे बनाती है, और ये होता है आपका, तो ये साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में बांट देता है, अंदर भी एक साइटोप्लाज्म, ये कंपार्टमेंट, और बाहर भी साइटोप्लाज्म आ जाता है। सो जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ये आरईआर का काम है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, सिक्रीट करना, और दे एक्सटेंड फार एंड कंटेजियस विद न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन। इसकी प्रिंसिपल लोकेशन फॉर लिपिड सिंथेसिस इज एससीआर। एससीआर का काम है लिपिड को फॉर्म करना, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स को फॉर्म करना, पैकेज, ठीक है, ये सब लिपिड, इसकी जिम्मेदारी होती है। गोल्जी अपरेटस सेकंड पार्ट आता है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। ये ऑर्गेनली है जो सेल्स में पाई जाती है, और ये प्रोसेस और पैकेज करती है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, ठीक है, और ये प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट करने में भी काम करती है। कैमलियो गोल्जी के नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है। तो गोल्जी ऑपरेटस कुछ इस तरह से नज़र आएगा, इसके दो फेज, ये टूटा टूटा सा नज़र आता है, ये इसका स्टैक्ड क्रिस्टे है, ये वेसिकल्स है। ये जो फेस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है, और इसे हम सिस फेस बोलते हैं, जहाँ पर पैकेजिंग शुरू होती है और पैकेजिंग होते होते यहाँ तक आती है, दिस इज़ योर ट्रांस फेस, इसे मैच्योरेशन फेस भी बोलते हैं। ये फॉर्मिंग फेस है, यहाँ पर पैकेजिंग शुरू होगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पैकेजिंग आएगी, और ये सेल मेम्ब्रेन के पास ख़त्म होता है, ठीक है। देर आर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ क्रिस्टे सिस्टर्ने इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, द डेवलपिंग फेस ऑफ गोल्जी सिस्टर्ने इज कन्वेक्स, तो यहाँ पे ये कन्वेक्स होगा, यहाँ वाली फेस कनकेव होगी, ठीक है। गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, गोल्जी अपरेटस का काम है प्राइमरी साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस। द प्राइमरी फंक्शन का मेन फंक्शन क्या है इसका, जो भी आप पैकेज किया है, डिलीवरी टू इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन और सिक्रीशन आउटसाइड द सेल, तो ये पैक करेगा, सेल में चाहिए तो सेल को देगा, नहीं तो बाहर निकाल देगा। थर्ड कॉम्पोनेंट आता है इसका लाइजोसोम, जिसे हम सोसाइटल बैग्स भी बोलते हैं। जो लाइजोसोम्स हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, गोल होता है इसमें, ये जब गोल्जी अपरेटस क्रिएट होता है उसी दौरान ये भी बनाया जाता है। इट हैज़ बिन डिस्कवर दैट आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स आर एक्सट्रीमली रिच इन पर्टिकुलरली ऑल वराइटीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसमें लाइपेस होगा, प्रोटीएस होगा, सब कुछ होगा, दैट आर मोस्ट एक्टिव एट एसिडिक पीएच। इनके अंदर जो पीएच होता है वो, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और इसका पीएच एसिडिक होता है। अब लाइजोसोम का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है, तो ये लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेटेस, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस, तो ये सब चीज़ों को ब्रेक करने में हेल्प करता है। फिर आता है वैक्यूल, अगेन वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें वाटर वाला वैक्यूल भी होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल वाला वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल के ऊपर जो कवर होता है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, याद रखना। प्लांट सेल में वैक्यूल 90% ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल से भरा हुआ होता है, ठीक है, और फंक्शन ऑफ वैक्यूल, प्लांट्स में जो आपका टोनोप्लास्ट है, जो मेम्ब्रेन है, वो हेल्प करता है वेरियस आइंस की मूवमेंट को एंड अदर सब्सटेंसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल का एक क्राइटेरिया है, जैसे अमीबा है वो प्रोटोजोआन है, उसमें पाया जाता है, ये एक्सक्रीशन में, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, जैसे हमारे अंदर किडनी हेल्प करती है, इसमें ये हेल्प करते हैं। फूड वैक्यूल्स जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है, एनवेलपिंग द फूड पार्टिकल्स इन न्यूमेरिस ऑर्गेनेल्स। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप,
ये इसका लेंथ है, ये इसकी डायमीटर है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर है, ये इनर है, तो बीच में ये जो जगह है इसे ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। द मैट्रिक्स, इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है और इस मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स को हम क्रिस्टा बोलते हैं, ये इनफोल्डिंग्स हैं, इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स दैट इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स एज इट मूव्स टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, ये पोरिंस हैं, ये पोरिन चैनल है जहाँ से चीज़ें अंदर बाहर जाती हैं। ये जो पार्टिकल है, इसका जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर बल्ब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टा के ऊपर। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को दिस इज एफ नॉट, दिस इज एफ वन, दिस इज स्टॉक, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ भी होगा इसी पे होगा। ऑक्सीजोम का एक और नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 या ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन? एरोबिक रेस्पिरेशंस, लोकेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशंस आर माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करना है, यानी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, यानी ये सब कुछ इसमें होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। ATP को बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। इसमें सर्कुलर DNA पाया जाता है, फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और राइबोसोम, 70S राइबोसोम पाया जाता है, तभी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। फिर आता है प्लास्टिड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, और प्लास्टिड्स जो हैं दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स प्रोटिस्टा में आता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ड्यू टू द अब प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसे हम किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। ये इसमें मैट्रिक्स की जगह स्ट्रोमा होता है, तो ये आपका है ये डबल मेम्ब्रेन, इसमें ये स्ट्रोमा है और इस स्ट्रोमा में थायलाकॉइड्स होते हैं, ये एक थायलाकॉइड है। जब बहुत सारे थायलाकॉइड जुड़ जाते हैं तो ये ग्रैना है, ठीक है। दो ग्रैनास आपस में कैसे जुड़ते हैं? थ्रू। दो ग्रैनास आपस में जुड़ते हैं किसके थ्रू? स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ते हैं? स्ट्रोमा लैमेला और फ्रेट चैनल्स, ठीक है। तो स्ट्रोमा कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ लैमेला विच कनेक्टेड जो थायलाकॉइड होती है जिसमें लाइट रिएक्शन होती है, ये आप आगे वाले चैप्टर्स भी इसका रिविजन देखेंगे, ठीक है। द स्ट्रोमा लैमेला विच कनेक्ट्स द थायलाकॉइड्स, द वेरियस ग्रैना, द फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, अ रीजन नोन एज द ल्यूमेन इज इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन ऑफ पैन। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, कैरोटीन, जेंथोफिल्स, अदर फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स, ये रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर प्रोवाइड करता है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स है जो न्यूट्रिएंट स्टोरिंग है, कलरलेस है, और जैसे माइलोप्लास्ट है ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा जैसे कि पोटैटोज। इलियोब्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल और फैट को। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को, ठीक है। विच वैन दे आर स्पेशलाइज फॉर द बल्क ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। सो ये क्लोरोप्लास्ट है। सो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी स्पेस, ये है एक यूनिट को बोलते हैं थायलाकॉइड, इकट्ठे यूनिट को बोलते हैं ग्रैना, इकट्ठा ग्रैना होता है। ये आपस में जुड़ा होता है स्ट्रोमा लैमेला से, इन्होंने यहाँ पे बनाया है स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। फिर आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में होता है। राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये RNA से बना होता है। और बैक्टीरियल राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, और एक छोटा सब यूनिट। जो 80S राइबोसोम्स है बड़ा वाला, इसके दो सब यूनिट्स है, बड़ा वाला 60S, फिर 40S। एस यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है, जो मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज,
फिर आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक बहुत बड़ा वेब है, जाला जैसा है, जो प्रोटीन फिलामेंट से बना हुआ है, जो साइटो जो कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये बना होता है माइक्रोट्यूबुल से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, तो ये सेल को शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिर आता है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजेला बड़ा होता है। सीलिया सर्कुलेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फ्लैजेला सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है और ये बड़ा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स द सीलियम एंड फ्लैजेला, मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स एट देयर सेंटर। फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट है या सीलिया का अरेंजमेंट, इसे हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी 9+2 अरेंजमेंट है, 9 टबलेट्स बाहर, 9 स्कूप्स होते हैं, अंदर 2 होते हैं और बीच में ये रेडियल स्कूप्स हैं। कितने रेडियल स्कूप्स हैं? 9 रेडियल स्कूप्स आपको इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनली दैट टिपिकली हैज़ 2 सेंट्रियोल्स विच आर सिलेंड्रिकल। तो ये है आपका, ये सेंट्रोसोम है और इसके अंदर ये 2 सेंट्रियोल है, जिसमें 9 इस तरह से अरेंजमेंट्स होती हैं, इसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है, ठीक है। द पेरिफेरल फाइबर्स आर ट्रिपलेट्स, या एक फाइबर को ट्रिपलेट होती है, ABC, ठीक है। तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है। ये स्पिंडल फॉर्म करने में हेल्प करता है, यहाँ पे लिखा है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, याद रखना। और एनिमल सेल डिवाइड्स द सेंट्रियोल्स क्रिएट द स्पिंडल फाइबर्स, इसका काम है स्पिंडल फाइबर को बनाना, ठीक है। ये है स्पिंडल फाइबर, किसी को अगर नहीं पता हो तो ये स्पिंडल फाइबर है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक मटेरियल यानी DNA को पकड़ के रखता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दिस टू लेयर्ड, इसमें 2 लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक इनर और एक आउटर, विच इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये याद रखना। न्यूक्लियोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस है, इसे हम कैरियोप्लाज्म भी या न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये क्रोमोसोम्स को, बाकी सारी चीज़ों को सराउंड करके रखता है। फिर आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज़ नथिंग बट योर DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है और DNA को स्टेबल करता है, इसे हम क्रोमोसोम या क्रोमैटिन बोलते हैं। न्यूक्लियोलस, ये पिछली बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है जो कि RNA बनाता है, RRNA बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस का फंक्शन है ट्रेगुलेट्स एंड ऑर्गेनिजम्स इनहेरिटेड ट्रेट्स, प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर RNA की सिंथेसिस, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को बनाने में, RRNA को बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियर पोर्स चीज़ों को आर पार क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन है। अगर क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पे है तो दिस इज मेटासेंट्रिक। दिस इज सब मेटासेंट्रिक। दिस इज एक्रोसेंट्रिक एंड दिस इज टीलोसेंट्रिक। तो मैंने एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे दिया, बाकी आपको पढ़ना तो पड़ेगा और उसके बाद अपना पेपर अटैम्प्ट करो, ठीक है। थैंक यू।